ये प्रधानमंत्री को लेकर मोदी का डर देश की जनता से खत्म हो गया, भारत में खत्म हो गया प्रधानमंत्री मोदी का डर। ये ठीक वैसा ये गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या राहुल गांधी, जो बीजेपी ने फुलाया इस बार 400 पार? देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने जाकर के वहां पर वही परिस्थिति बताई है जो आज भारत के अंदर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है। आज जिस तरह से सरकार को बार बार यूटर्न लेना पड़ रहा है, यानी 5 बार वो यूटर्न ले चुके हैं, चाहे वो इंडेक्सेशन का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग बिल हो, या फिर लेटरल एंट्री वाला मामला हो, या फिर एनपीएस का यूपीएस करने का जो बात आई थी, ये सब बताता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं डर रही है, सचेत रहती है। और जिस तरह से नतीजे आए हैं, जो 400 पार की बात करते थे वो 272 नहीं पहुंच पाए हैं, वो अपने आप को 240 की पोजीशन पर विकलांग महसूस कर रहे थे, इसलिए उनको जेडीयू और टीडीपी का साथ लेना पड़ा है। दो बैसाखियों को लेकर के जो सरकार चल रही है उसके बारे में राहुल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपने आप को मजबूत प्रधानमंत्री कहते थे, वो अब मजबूत नहीं है, अब वो मजबूर प्रधानमंत्री हैं। उनके जितने निर्णय हो रहे हैं पिछले हमने 3-4 महीने में जो देखे हैं, वो एक मजबूर प्रधानमंत्री वाले निर्णय है, ये कोई मजबूत सरकार नहीं है, कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी ने ये कहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सब बार बार कह रहे हैं कि विदेश की भूमि पर जाकर के राहुल गांधी जी ने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बताइए, राहुल गांधी जी अगर विदेश में गए हैं तो वो इंडियन डायस्पोरा के सामने ही बैठे हैं ना। अब इंडियन डायस्पोरा यानी जो भारतवासी वहां पर हैं, उनके सामने बैठ करके झूठ तो बोलेंगे नहीं। विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता का काम या विपक्ष के नेता का दायित्व होता है कि सरकार के जो वीक पॉइंट है, जो उनका चाल चरित्र चेहरा है, उसको एक्सपोज किया जाए। तो वो उन्होंने एक्सपोज किया, उन्होंने सच्चाई वहां पर बताई है। लेकिन ये तरह से ज्यादा हो गया क्या चरण सिंह सप्रा? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती। प्रधानमंत्री मोदी खत्म हो गए, सरकार उनकी है, चला हम रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं जनता के बीच जाता था, चुनावी कैंपेन करता था, तो मुझे लगता था लोग समझ रहे हैं मेरी बात कि संविधान पर हमला हो रहा है, तो फिर ये 99/100 पर क्यों अटक गई कांग्रेस? नहीं देखिए, ये तो जनता का वर्डिक्ट है, 99 पे या 100 पे या 101 पे, ये तो जनता रुकाती है, जनता जनार्दन है। लेकिन सच्चाई भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वो भी तो 240 पर अटक गई है। यानी जनता ने कहीं ना कहीं जो श्री राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो एक नैरेटिव बना रहा था, जो जिस तरह से ये सच्चाई है, इनके खुद के नेताओं ने, इनके उम्मीदवार, इनके जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने सबने कहा कि अगर हम 400 पार जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, क्या नहीं कहा इन्होंने? तो इस तरह की बातें जब हुई तो जनता ने देखा कि इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई है। ये लोग आरक्षण के खिलाफ खुलेआम नजर आ रहा था। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान कोई छू नहीं सकता। नहीं, लेकिन लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात को माना नहीं ना जनता ने। प्रधानमंत्री के जितने वक्तव्य थे उसको जनता ने माना नहीं, अगर माना होता तो ये 400 पार हो जाते। जनता ने इस बात को माना कि इनका छुपा हुआ एजेंडा है, देश के संविधान को बदलने का छुपा हुआ एजेंडा है, आरक्षण के ऊपर हमला करना इनका छुपा हुआ एजेंडा है, ये देश की जनता ने माना और उस तरह से जनता ने निर्देश दिया है अपना। नहीं तो लेकिन वो निर्देश 100 तक सिमट गया ना कांग्रेस के लिए चरण जी, तो यही बातें बाहर भी कर रहे हैं। हाँ, वो निर्देश जनता का 100 तक सिमट गया कांग्रेस के लिए, तो क्या ये जो जीत का प्रोजेक्शन है, ये अपनी पोजीशनिंग भी करते हुए दिख रहे हैं राहुल गांधी की? भाई हेड ऑन अगर कोई ले सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से, पूरे इंडिया अलायंस में, तो राहुल गांधी ले सकते हैं, ये अपनी पोजीशनिंग भी है क्या? देखिए, ये पोजीशनिंग तो ऑटोमेटिक हो गई है। ये पोजीशनिंग तो उस दिन से शुरू हुई जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जो जो मुद्दे श्री राहुल गांधी जी ने ये दोनों यात्राओं के दौरान लिए हैं, ये सारे मुद्दे जनता ने एक्सेप्ट किए हैं। मुझे बताइए, अग्निवीर का मुद्दा, इसने जनता को अपील करी कि नहीं करी? ओपीएस का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो,
ये तमाम सारे मुद्दे, या फिर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्या महंगाई इस देश के अंदर आज भी कम हो गई है, क्या बेरोजगारी इस देश के अंदर खत्म हो गई है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ है, क्या हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा नहीं है, ये तमाम सारी चीजें, ये सच्चाई है ना। तो राहुल गांधी जी ने सच्चाई देश को बताई और देश की जनता ने उनकी बताई हुई सच्चाई के साथ में खड़े रहे हैं और वही जनता ने नतीजे देखे हैं। अब उस नतीजे के ऊपर वही बातें अगर वो यूएस में जाकर के कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी तड़प क्यों रही है, इतनी परेशान क्यों हो रही है? भाई ये तो सच्चाई है, हकीकत है जो वहां पर जाकर के बोली है। यही बातें तो आपके आरएसएस के नेताओं ने भी कही। क्या मोहन भागवत जी ने बीजेपी को नहीं लताड़ा? क्या जेपी नड्डा जी ने पहले नहीं कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है? क्या अभी आपने उनका बैन वापस लिया कि नहीं लिया है? तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो जनता के सामने आ चुकी है, वही बातें दोहराई जा रही हैं। वही बातें, हाँ, तो बस विदेश की धरती पर आपने वो बातें दोहरा दी शिवम।